गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में और बना ले रही हूँ चाय मेरे लिए। आज सोमवार है, मेरा व्रत है आज, और मैंने नाश्ता बना कर दे दिया है उन्हें और पूजा भी कर ली है। बस अब मैं मेरे लिए चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं नाश्ता तो नहीं करती हूँ, व्रत है इसलिए मैं चाय बना लूँगी। और आज डेट है 14 दिसंबर। ये बन गई मेरी चाय, आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं बैठकर चाय पी लेती हूँ, फिर खाना बनाना है। अभी नाश्ता तो खा के वो चले गए दुकान, और दिनेश ने भी नाश्ता कर लिया है, और अब टाइम 10 बज रहा है, तो फिर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सब्जी बना ली है, सिंपल टमाटर की सब्जी बना ली है मैंने, और ये चावल रख दे रही हूँ। इसमें मैंने नमक और घी डाल के कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। देखिए, मैंने सब्जी पहले ही बना ली है, आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि सिंपल सब्जी है, सबको ही आती है ये सब्जी। और ये आटा भी मैंने पहले ही लगा कर रखा हुआ था, बस इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के नरम कर ले रही हूँ ताकि चपाती फूली फूली बने। ये सब्जी मैं नीचे उतार के रख देती हूँ, और उधर गैस पे चावल रख देती हूँ, और इधर मैं चपाती बना लेती हूँ, क्योंकि दिनेश को भी कंप्यूटर क्लास के लिए जाना है और वो खाना खा कर ही जाएगा, इसलिए पहले मैं चपाती बना लेती हूँ इधर। और इन्हें गाय के लिए छोटी छोटी चपाती बना ले रही हूँ। यहाँ पर गाय आती है हर रोज, मैं देती हूँ उसे। अभी बड़ी चपाती बना ले रही हूँ, और इस पे मैंने ऑयल लगाकर ऐसे घुमा दिया ताकि अच्छे से फूले चपाती। और दिनेश को पतली चपाती बहुत पसंद है, उसे एकदम पतली, बिल्कुल पेपर की तरह चाहिए, बहुत पतली चपाती खाता है, और मैं थोड़ी सी मोटी बना दूँ तो वो बिल्कुल नहीं खाता, इसलिए मैं इसे बहुत पतला बना दे रही हूँ। ये देखिए, और मेरा चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि खिड़की से अंदर धूप आ रही है। सुबह सुबह के टाइम ना बहुत अच्छी धूप आती है किचन में, और 10 बज चुका है फिर भी ये धूप देखिए कैसे धूप आई है अंदर। देखिए, दिनेश भी आ गया, उसे देरी हो रही है कंप्यूटर क्लास जाने के लिए, इसलिए वो खाना दे दो ऐसा बोल रहा है कब से, अब खुद ही लेगा परोस के। देखिए, थाली में उसने सब्जी ले रहा है वो। और ये चपाती भी देखिए ले रहा है, और बहुत गर्म है, देखिए कैसे करते हुए ले रहा है। उसे देरी हो रही है ना, इसलिए वो गड़बड़ी से खा। देखिए, खाना खाने बैठ गए हैं बाहर आके टीवी देखते हुए। उसने पानी भी नहीं लिया था, मैं पानी लाकर दे रही हूँ, और मैंने इसी तरह सारी चपाती तैयार कर ली। सब चपाती बन के रेडी हो गई, बस चपाती मैं और दिनेश खाएंगे। दिनेश के पापा को तो रोटी चाहिए ज्वार की, तो मैं उनके लिए ज्वार की रोटी बना रही हूँ। पहले तो मैं आटा छान लेती हूँ, ये गेहूँ की चपाती बिल्कुल नहीं खाते, पता नहीं क्यों, उन्हें पेट में दर्द होता है खाने के बाद, इसलिए उन्हें ज्वार की रोटी ही चाहिए होती है, तो उनके लिए मैं ये ज्वार की रोटी बना ले रही हूँ।
इस तरह से ज़्यादा अच्छा मसलने से, इसे अच्छे जोर लगा के गूंदने से ही रोटी अच्छे से फूलेगी ज्वार के। ये देखिए इस तरह से ताकत लगा लगा के मैं इसे गूंदती हूँ आटे को। और मैं इसकी पतली सी रोटी बना लूंगी। और इसे सेकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने गैस भी फुल कर दिया ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। चपाती जल्दी से बन जाएगी, सीक जाती है, मगर ये रोटी जल्दी नहीं सीखती, टाइम लगता है इसमें। ये देखिए मैं पूरा रोटी पे पानी लगा रही हूँ और दूसरी रोटी भी नीचे अब एक तैयार कर लेती हूँ। तब तक और उन्हें भी पतली रोटी पसंद है, ज़्यादा मोटी रोटी वो नहीं खाते। ज़रा सीखने में टाइम लगता है इस रोटी को ज्वार के, तब तक मैं छाँछ बना लेती हूँ। अब साथ साथ सारे काम कर लो तो जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो देरी भी हो रही है मुझे काम के लिए। छाँछ भी बन रहा है, उधर रोटी भी सीख रही है। देखिए कितनी फूल गई ना रोटी। ये सब जितना जोर लगा के आटे को आप गूंद लो ना, उतनी रोटी फूलती है अच्छी तरह से। देखिए छाँछ भी तैयार हो गई और रोटी भी बन रही है। और ये दिनेश खाना खाकर जा रहा है कंप्यूटर क्लास को। और ये आ गए, ये कोई प्रॉब्लम हो गई, ये बिल कलेक्टर है। और मैं ये क्या बात करके चले गए, ये खाना भी नहीं खाया उन्होंने, क्या प्रॉब्लम हो गई पता नहीं, मगर बताया नहीं, उधर ही चले गए बात करते हुए। और मैं कपड़े सर्फ में भिगो लेती हूँ, तब तक जब तक ये आए तब तक कपड़े भी हो जाएंगे। और कपड़े मैं बाहर ही धोती हूँ, इनके कपड़े दुकान के थोड़े से निकलते नहीं अंदर, इसलिए मैं बाहर जाकर ही धोती हूँ कपड़ों को। और मैं यहाँ बाहर सुखा भी लेती हूँ कपड़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर? आई होप सर अच्छे होंगे। और मैंने आपसे कल कहा था कि मुझे कोई रस्म निभाने जाना है, तो मैं चली गई थी। अरे देखिए मैंने चूड़ियाँ भी पहन कर आ रही हैं। ठीक है, इस रस्म में जिस जो शादी वाली रस्म होती है ना, उसमें हरी वाली चूड़ियाँ पहना दी जाती है सभी बीच को। तो हम सब जाकर चूड़ियाँ पहन कर आ गए। देखिए अब अभी दो दिन बाद शादी होगी, फिर शादी में भी जाएंगे।